कभी गोलियों की तड़तड़ाहट से बदनाम हुआ गैंगस्टर वासेपुर अब बदल चुका है। अब यहाँ के बच्चों ने शिक्षा के माध्यम से बदनामी के दाग को धो डाला है। तभी तो आईएसए, आईएफएस, रेलवे, बैंकिंग और पुलिस विभाग में यहाँ के बच्चे मेहनत के बूते सफलता के झंडा गाड़ रहे हैं। आपको बता दें, ये बातें धनबाद के वासेपुर में अवस्थित एक कार्यक्रम में जिले के एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने कही। मौका था साथी फाउंडेशन के तरफ से मैट्रिक एवं इंटर 2020 के छात्र छात्राओं के प्रतिभा सम्मान समारोह का, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम धनबाद शामिल हुए और परीक्षा में बेहतर अंक लाकर सफल छात्रों को उपहार देकर सम्मानित किए और आगे भविष्य में वह अच्छा प्रदर्शन कर सके इसकी कामना की। वहीं कांग्रेस नेता राशिद रजा ने भी वासेपुर को बदलने की बात कही। कहा, वासेपुर के बच्चे शिक्षा के जगत में अपना परचम लहरा रहे हैं। जब साथी फाउंडेशन के सदस्य लोग आए थे और उन्होंने जब मुझसे बात की थी और मैंने इसको एक्सप्लोर करवाया था, तो मीडिया के लोगों के द्वारा आपने वासेपुर को उस तरह इंटरप्रेट किया है। मैं जब यहाँ पे ये मेरा सेकंड विजिट है वासेपुर में, बहुत कोऑपरेटिव यहाँ के लोग मुझे नज़र आ रहे हैं और शिक्षा के तरफ विशेषकर झुकाव यहाँ के लोगों का मैं देख रहा हूँ। और वही आज परिणाम था कि आज अच्छे बच्चे यहाँ पे, जिन्होंने 95-97% बच्चे यहाँ पे ला रहे हैं, तो वासेपुर जो नॉन फॉर दैट जो था वो चेंज हो गया है। आज वासेपुर एक कोऑपरेटिव है, यहाँ के लोग काफ़ी सोशल हो गए हैं, लोग एक साथ मिलके चलना चाह रहे हैं, शिक्षा की तरफ बढ़ के विशेष करना चाह रहे हैं। और आपने देखा यहाँ पे कि आने वाले पिछले दिनों में कुछ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएफएस और इंडियन आईएएस भी हमारे यहाँ बने हुए हैं। आप लोगों को मालूम है कि जितने भी स्कूल के बच्चे हैं जो 1998 अच्छा मतलब प्रदर्शन किए हैं अपने 11 और 12 में, उनको सम्मानित करने का यहाँ पे काम किया गया है। तो जैसा कि अभी कुछ देर पहले इनका एसडीएम साहब का संबोधन सभी लोगों ने सुना, हमने भी सुना, मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ ये बात सुन करके कि जिन्होंने अपने बारे में इन्होंने बताया।